तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी सर केयर स्टॉर्मर की जानिब से जारी कर दी गई। यूके में रहने वाले ब्रिटिश सिटीज़न के लिए, ब्रिटिश जो नेशनल हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी, अहम ऐलान जारी कर दिया गया है। एक सर्वे किया गया, पोलिंग लगाई गई, वोटिंग की गई, जिससे ये मालूम पड़ा है कि इंग्लैंड की आवाम 59% तक जो कि ये चाहती है कि दोबारा से यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार की जाए, और सिर्फ 41% अफराद ने ही ये रिवील किया है कि हम नहीं ज्वाइनिंग चाहते, जबकि ज़्यादा अवाम 59% तक जो वोट हुए हैं, 59% तक अवाम ने यह कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन के अंदर दोबारा से शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, सिर्फ 41% तक लोगों ने ही इनकार किया है। इससे ये मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ी अवाम जो कि दोबारा से यूरोपीय यूनियन में दोबारा से रीज्वाइनिंग चाहती है। तो इसको लेकर सर केयर स्टॉर्मर यूके के नए प्राइम मिनिस्टर, लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये वोटिंग के बाद से बड़ा ऐलान जारी कर दिया गया, बड़ी खुशखबरी सुना दी गई। सर केयर स्टॉर्मर की जानिब से ये कहना है कि हम इंग्लैंड की अवाम के साथ हैं, ब्रिटिश अवाम के साथ हैं, ब्रिटिश अवाम जो चाहती हैं हम वही करेंगे। उनका ये कहना ही था कि हम इक्तदार में अवाम की खिदमत के लिए आए हैं और हम भी यही चाहते हैं कि हम दोबारा से यूरोपीय यूनियन को रीज्वाइन करें और यूरोपीय यूनियन में दोबारा से शमूलियत इख्तियार कर लें। अब तो वाजिया हो चुका है, वोटिंग भी हो चुकी है, वोटिंग से ये मालूम पड़ चुका है। तो उनका ये कहना है कि बहुत जल्द हम दोबारा से यूरोपीय यूनियन के अंदर रीज्वाइनिंग करेंगे। उनका ये कहना है कि इस पर थोड़ा सा टाइम दरकार हो सकता है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि हम यूरोपीय यूनियन में जो रीज्वाइनिंग है उसको करके ही दम लेंगे। उनका ये कहना है कि अब तो वोटिंग भी हो चुकी और अब रीज्वाइनिंग किए बगैर हम नहीं रह सकते और अवाम भी यही चाहती है। तो ये एक बड़ा ऐलान, बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है।